जो एक तरफ कोविड वॉरियर्स को इतना सराहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से बाय फ्लावर शावरिंग किया हो या फिर दिया जलाना हो, थाली बजाना हो, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपने हमें इतना सराहाया, दैट इज़ अ वन इंडिया राइट, लेकिन कल हमारा स्वागत लाठी से किया गया, अब्यूसिव लैंग्वेज से किया गया है। 100 पेशेंट्स के लिए मान लो 20 डॉक्टर असाइंड है और वहाँ पे बस 10 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं कि जो 150 पेशेंट को सर्व करे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मिसमैनेजमेंट होगा और मिसमैनेजमेंट अगर होगा तो फिर उंगली किस पे उठाई जाएगी, ऑब्वियसली डॉक्टर पे। हजारों की तादाद में रेसिडेंट डॉक्टर्स सारी दिल्ली से यहाँ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पुलिस के साथ मुठभेड़ डॉक्टरों की हुई क्योंकि नीट काउंसलिंग में देरी होने के कारण जो प्रदर्शन डॉक्टर कल दिल्ली में कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक मोर्चा लेकर जा रहे थे, उस वक्त पुलिस और डॉक्टरों के बीच मुठभेड़ हुई। कुछ डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद कुछ डॉक्टरों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा मैनहैंडलिंग की शिकायतें डॉक्टरों की तरफ से आई। उसकी सॉलिडारिटी में आज दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ कोविड वॉरियर्स को इतना सराहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से बाय फ्लावर शावरिंग किया हो या फिर दिया जलाना हो, थाली बजाना हो, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपने हमें इतना सराहाया, दैट इज़ अ वन इंडिया राइट, लेकिन कल हमारा स्वागत लाठी से किया गया, अब्यूसिव लैंग्वेज से किया गया है। मेल्स ने फीमेल डॉक्टर्स को खींचा है, उन्हें मारा है और उन्हें ज़बरदस्ती डिटेन किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट को आके हमें अपोलॉजी देना चाहिए क्योंकि हम लोग प्रोटेस्टर्स नहीं है, किसान एक साल बैठे थे बिकॉज उनको लॉ रिपेल कराना था। हमारी जो मांग है वो कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, वो एक जायज़ मांग है कि जो 45,000 डॉक्टर्स जो बाहर जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं वो आए, क्योंकि कोविड अब बस कॉर्नर पर ही है, कभी भी बस्ट हो सकता है ओमाइक्रोन जो है, और LNJP उसका मेन केंद्र रहा है कोविड के लिए। तो हमारी बस यही दरख्वास्त है कि केंद्र सरकार से, गवर्नमेंट से, कि वो जल्द से जल्द उन बच्चों को लेकर आए, क्योंकि सेकेंड वेव में, पहली वेव में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट को बहुत सफ़र करना पड़ा था। हम नहीं चाहते थर्ड वेव में विदाउट डॉक्टर्स उन लोगों को इतना सफ़र करना पड़े। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द उन बच्चों को लेकर आएँ ताकि हमारी जो 1/3 फोर्स है वो आए और उनकी कोविड के दौरान उनकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो। इससे ना तो, और यू हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फॉर अस, दिस इज़ नॉट फॉर द डॉक्टर, दिस इज़ फॉर द पेशेंट्स, द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो लोग आएंगे और हैंड्स हमारे हाथ में होंगे तो वी कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कोविड। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है, एक महीना हो गया, 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक हम लोग एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट करा, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, निर्माण भवन पे 10 दिन से हम रोड पर बैठे रहे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। वर्बल अश्योरेंस पहले था, अब वो भी नहीं है। कल DGHS आए, उन्होंने बोला कि ही इज़ नॉट श्योर कि 6 तारीख को काउंसिलिंग के बाद भी कुछ होना है कि नहीं होना है। चार्जशीट जो कमेटी बिठाई गई थी उसका भी कुछ होगा कि नहीं होगा, उन्होंने बिल्कुल कुछ ऐसा अश्योरेंस नहीं दिया है। तो हम ये जो, और उसके ऊपर जो ये कल जो ये ब्रूटली हैरेस चीज़ें हुई हैं, दिस इज़ वेरी अनथॉटफुल, अनथिंकेबल कि डॉक्टर्स के साथ ऐसा कुछ होगा। तो आई डोंट थिंक सो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सुनवाई नहीं होगी तो हम ये अपनी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। व्हाट वाज द लॉन्गेस्ट यू हैड टू स्टे बिकॉज़, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है और आपको रिप्लेस करने को कोई नहीं है। सी, हमें नहीं पता कि हमें कब तक और कब तक रहना है। अभी जो 6 जनवरी को आने वाला है काउंसलिंग, हम चाहते हैं कि वो वर्डिक्ट आए उस पर, बट EWS का चल रहा है, उसके बाद OBC का भी चल जाएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट राइट। तो हमें नहीं पता ये काउंसलिंग कब होगी, 3 महीने तक या 4 महीने तक कब जूनियर्स आएंगे। अगेन वी हैव टू फेस दिस लॉट ऑफ वर्क बर्डन, ओवर बर्डन वी आर, तो हमें ये फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारी जो ये मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी करें ताकि हमें बर्डन से छुटकारा मिले। हम काम से नहीं भाग रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द, बट द कोविड इज नेक्स्ट कॉर्नर, वो कभी भी बस्ट हो सकती है थर्ड वेव। तो गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स आएंगे तो और ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द NEET PG काउंसलिंग एक्सपेडाइट हो। जिस अस्पताल की कैपेसिटी 100 होती है उसमें मोर देन 150 पेशेंट्स रहते हैं, काफ़ी सारे अस्पताल में फ्लोर बेड भी रहते हैं। तो अगर 100 पेशेंट्स के लिए मान लो 20 डॉक्टर असाइंड है और वहाँ पे बस 10 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं कि जो 150 पेशेंट को सर्व कर रहे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मिसमैनेजमेंट होगा,
और मिसमैनेजमेंट अगर होगा तो फिर उंगली किस पे उठाई जाएगी, ऑब्वियसली डॉक्टर पे। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि उंगली किस पे उठाई जाती है, डॉक्टर्स पे, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन पे उठाई जाती है। तो ये मतलब काफ़ी गलत चीज़ है और काउंसलिंग करवा के एक्सप्लेन करना। डॉक्टरों की क्या मांगे हैं नीट काउंसलिंग की देरी को लेकर, डॉक्टरों की भर्ती को लेकर, किस तरह से उन पर एक प्रेशर पड़ रहा है, उनकी सरकार से और पुलिस से क्या मांगे हैं, क्या एक्शन वो चाहते हैं कल के हादसे को लेकर, ये सारे सवाल और इनके जवाब और इनकी अपडेट्स हम कुंड और कुंड हिंदी पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बने रहिएगा।